जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 14,000 पदों का रिक्रूटमेंट, वो भी एलडीसी का, एक साथ इतना बड़ा रिक्रूटमेंट और इसी बजट में इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो यहां पर दोस्तों बात करने वाले आखिर ये आरएसएम एसएसबी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2022 है जिसमें 14,000 आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, साथ ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, साथ ही कौन से कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट आया है, तो यहां पर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी पूरी अपडेट मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हो और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पर आपको छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपकमिंग जॉब्स के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहां पर देख लीजिएगा आरएसएम एसएसबी, जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2022, और जैसे ही दोस्तों इस लिंक पे आप क्लिक करते पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, और यहां पर ये रिक्रूटमेंट आया, ये एलडीसी कलर का रिक्रूटमेंट है। और दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, उसमें दोस्तों 14,000 पदों का इस रिक्रूटमेंट के बारे में जिक्र किया गया कि 14,000 पदों का ये रिक्रूटमेंट इसी साल किया जाएगा। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी पूरी अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले बात करें तो ये आपका एग्जाम नेम और पोस्ट का नाम होगा वो एलडीसी होगा, लोअर डिविजन क्लर्क होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 14,000 आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों कैटेगरी की बात करें तो यहां पर यह रिक्रूटमेंट उसके साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो 12th पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 12वीं पास है और आपके पास में या तो आरएससीआईटी का कंप्यूटर डिप्लोमा है या फिर इसके अलावा आपके पास में ओ लेवल का यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, साथ ही दोस्तों हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में, या फिर आपके पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट है, कोई भी अगर आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्रिटेरिया की बात करें तो एज में काफी ज्यादा छूट मिलने जा रही है। मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 35 साल तक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी वाले 38 साल तक और एससी एसटी वाले 40 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब दोस्तों एज क्रिटेरिया में भी आप लोगों को काफी ज्यादा छूट यहां पर दी जा रही है। अगर एलडीसी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इस रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरल और बीसी क्रिमिनल ईयर के लिए 450 और नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 350, जबकि एसटी एससी और यहां पर पीएच के लिए 150 रुपए यहां पर फीस रहती है। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 14,000 आपकी वैकेंसी रहेगी और काफी बड़ी वैकेंसी आप इसे मान सकते हैं। और दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में हाल ही में जो राजस्थान सरकार की तरफ से बजट पास किया गया है उसमें दोस्तों इस रिक्रूटमेंट को लेकर हरी झंडी भी मिल चुकी है। मतलब यहां पर कहा गया कि 2022 में जो आरएसएम एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट है एलडीसी कलर का, उस रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को पूरा करवाया जाएगा और ये वैकेंसी आपके 14,000 पदों पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी डिटेल भी विस्तार से यहां पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो उसकी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ही सबसे पहले मिल पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।